भाइयों, जय श्री राधे कृष्णा। आजकल की भागवत क्या है, भागवत को नौटंकी बना दिया है लोगों ने। हकीकत में बताऊं, और आप भी ये कहोगे वास्तविक भागवत नहीं नौटंकी है। आजकल भागवत के नाम पर शास्त्री लोग जो हैं वो कलंक हो गए हैं। और हमारा एक ऐसा ग्रंथ है जो सदियों से पूजता चला आ रहा है, लेकिन आजकल के कथावाचकों ने उसे उसकी गरिमा को धूल में मिला दिया है। एक ऐसे ही शास्त्री हैं जिनका नाम है हेमराज सिंह यादव। इन्होंने तो भागवत को बिल्कुल धूल में मिला दिया है। देखो, व्यास मंच पर बैठ करके जनता को उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश क्या दे रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। अगर नहीं मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। कनवा घुंघट मारा जाता इसे, इतना मारी घुंघट और खड़ी हुई और कहा लगी पहुना और ठीक हो, पहुना और सब ठीक हो। हाँ ठीक है, और हमारे बहुरिया वाली भैंस भला का हाल है, हालू का यह है हाल, सब चालू बिगड़ रहा है। अच्छा तो पहुना रुकी हम नहीं रुकब नहीं, अब रुकब नहीं, अब नहीं रुकब। तो कहन पहुना ना हो तो चहला ही पी ले, चहला पी ले। देख लिया भाइयों, ऐसे शास्त्रियों के लिए, ऐसे कथावाचकों के लिए शास्त्री कहना भी एक कलंक है। क्यों? ये कथा नहीं कह रहे हैं, ये भागवत नहीं कह रहे हैं, इनको भागवत का तथ्य भी नहीं पता है। ये तो केवल नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी। क्यों? ये भागवत के नाम पर इतनी बड़ी नौटंकी, धर्म के नाम पर एक धंधा, ये अच्छी बात नहीं है। और ऐसे शास्त्रियों को तो, ऐसे शास्त्रियों का बिल्कुल, ऐसे कथावाचक को हमारे धर्म ग्रंथों की गरिमा को खो रहे हों। ऐसे कथावाचकों के लिए आपका क्या राय है, क्या विचार है, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। श्री राधे श्री कृष्णा।